प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रविवार को राष्ट्रपति भवन में एक जानवर दिखाई दिया था, जिसका वीडियो जमकर वायरल होता रहा। कोई इसे तेंदुआ बता रहा था तो कोई कह रहा था कि ये तो बिल्ली है, वहीं कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये तो कुत्ता है। दिन भर राष्ट्रपति भवन में जानवर के आने का मामला चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन सोमवार रात दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर ये क्लियर कर दिया है कि जो जानवर दिखा था वो एक बिल्ली है, तेंदुआ नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद 9 जून की शाम को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्रियों को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। इसी बीच एमपी से सांसद चुने गए दुर्गा दास शपथ लेने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन कर रहे थे। इस दौरान पीछे सीढ़ियों पर राष्ट्रपति भवन में एक जानवर जाता हुआ दिखाई दिया। ये जानवर साइज में बड़ा था, ऐसे में लोग कयास लगा रहे थे कि ये तेंदुआ हो सकता है, वहीं कुछ लोग इसे बिल्ली भी बता रहे थे। दिन भर ये चर्चा होती रही कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हजारों लोग आए थे, यदि तेंदुआ लोगों की भीड़ में आ जाता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि ये तेंदुआ नहीं है, ये बिल्ली है, कुछ लोग इसे कुत्ता भी कह रहे थे। इसके बाद सोमवार की शाम दिल्ली पुलिस की ओर से एक ट्वीट किया गया, फिर दिल्ली पुलिस ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद से लोग सवाल खड़े करने लगे और दिल्ली पुलिस से पूछने लगे कि वीडियो में दिखा जानवर क्या था। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया कि ये तेंदुआ नहीं बल्कि बिल्ली है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर 75 एकड़ में एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, जहां तालाब भी है और यहां पर कई प्रजाति के जानवर रहते हैं। हो सकता है कि बिल्ली भी वहां से टहलते टहलते राष्ट्रपति भवन के अंदर आ गई हो। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने भी ये क्लियर कर दिया है कि राष्ट्रपति भवन में दिखने वाला जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि बिल्ली थी। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।